उदाहरण आठ, तीन ऋण वर्गमूल दो बटा तीन धन वर्गमूल दो के हर का परिमेयीकरण कीजिए। हमें तीन ऋण वर्गमूल दो बटा तीन धन वर्गमूल दो के हर का परिमेयीकरण करना है। यहाँ पे हर जो है तीन धन वर्गमूल दो है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बराबर तीन ऋण वर्गमूल दो बटा तीन धन वर्गमूल दो को हम गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, तीन धन वर्गमूल दो का परिमेयीकरण गुणांक तीन ऋण वर्गमूल दो होता है, जिसे हम अंश और हर में तीन ऋण वर्गमूल दो से गुणा करेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि ए धन वर्गमूल बी का परिमेयकारी गुणक ए ऋण वर्गमूल बी होता है, तो इस तरह से हमने यहाँ जो हर संख्या है तीन धन वर्गमूल दो का परिमेयीकरण गुणांक जो है वो तीन ऋण वर्गमूल दो होगा, जिसको हमने अंश और हर में गुणा किया है। यहाँ पे तीन ऋण वर्गमूल दो गुणित तीन ऋण वर्गमूल दो को हम लिखेंगे तीन ऋण वर्गमूल दो कोष्टक में और तीन ऋण वर्गमूल दो बटा, उसी तरह से तीन धन वर्गमूल दो और तीन ऋण वर्गमूल दो। अब क्योंकि कोष्टक में समान संख्या हमारे पास तीन ऋण वर्गमूल दो और तीन ऋण वर्गमूल दो, तो अब हम इसे लिखेंगे तीन ऋण वर्गमूल दो का वर्ग बटा। यहाँ पर सरसमीका का प्रयोग करेंगे ए धन बी ए ऋण बी बराबर ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, क्योंकि हम जानते हैं कि ए धन बी ए ऋण बी बराबर ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग होता है। तो यहाँ पे ए तीन है धन बी वर्गमूल दो है, तो ए धन बी पुनः यहाँ ए तीन है ऋण बी जो है हमारा वर्गमूल दो है, तो तब हम इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे ए धन बी ए ऋण बी बराबर ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, तो हमें प्राप्त होगा तीन का वर्ग ऋण वर्गमूल दो का वर्ग बराबर। यहाँ पे हम दूसरी सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे ए ऋण बी का वर्ग, क्योंकि हम जानते हैं कि ए ऋण बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग ऋण दो ए बी धन बी का वर्ग होता है। यहाँ पे हमारा ए ऋण बी जो है तीन ऋण वर्गमूल दो है, ए हमारा तीन है, तो इस सरसमीका के प्रयोग से ए बराबर तीन का वर्ग ऋण दो, फिर ए जो है हमारा तीन है तो तीन और बी जो है हमारा वर्गमूल दो है तो वर्गमूल दो धन बी का वर्ग, बी है हमारा वर्गमूल दो तो वर्गमूल दो का वर्ग बटा, तीन का वर्ग हुआ नौ ऋण वर्गमूल दो का वर्ग हो गया हमारे पास दो बराबर, तीन का वर्ग तीन गुणित तीन नौ ऋण तीन दुनी छः वर्गमूल दो धन वर्गमूल दो का वर्ग हुआ
वर्गमूल दो गुणित वर्गमूल दो बराबर दो बटा नौ ऋण दो बराबर सात बराबर नौ धन दो का योग हो जाएगा, तो नौ धन दो बराबर ग्यारह ऋण छः वर्गमूल दो बटा सात। तो इस तरह से हमने तीन ऋण वर्गमूल दो बटा तीन धन वर्गमूल दो का के हर का परिमेयीकरण ज्ञात किया, ग्यारह ऋण छः वर्गमूल दो बटा सात। यह इस उदाहरण का हल होगा।